नोट करो, कंपाउंड्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, कंपाउंड्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट एंड नॉन सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड, दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब एडिंग नोट करो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नोट करो, द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस Having bidentate ligand, having bidentate ligand show optical isomerism, show optical isomerism. For example, डाइग्लाइसिनेटोनिकल। ठीक है, अब जो डाइग्लाइसिनेटोनिकल है ये क्या करेगा, अपने पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे बनी, देखो यहां पर दो डिफरेंट डोनर एटम्स है, एक डोनर एटम ऑक्सीजन और दूसरा डोनर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ऐसे अपने पास सेकंड जो अपने पास कंपाउंड है उसमें भी क्या आएगा, दूसरा लिगेंड है उसमें भी एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन डोनर एटम। ठीक है, जैसे इसको हम क्या करेंगे, मिरर इमेज लेंगे इसके ऊपर, तो मिरर इमेज में क्या होगा, ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई, ये ग्रुप यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा और ये। ठीक है, जो कंपाउंड जो होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज के नॉन सुपर इम्पोज होता है। ये जो मिरर इमेज है इसको बिल्कुल एंटिटी उठाने में इसके ऊपर रखना, तो क्या होगा, इस ग्रुप के ऊपर कौन सा ग्रुप आएगा, ये वाला, और इस ग्रुप के ऊपर क्या आएगा, ये ग्रुप आएगा, यानी नॉन सुपर इम्पोज है। अगर मान लो इस ग्रुप के ऊपर बिल्कुल ये वाला ग्रुप आता है, इसके ऊपर ये वाला ग्रुप आता है, तो क्या कहते हैं इसको, सुपर इम्पोज। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या अपने पास नॉन सुपर इम्पोज। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। कल मैंने क्वेश्चन क्या कहा था कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, और आज मैंने क्या कहा है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, बल्कि टेट्राहेड्रल क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, आंसर बताना है आप लोगों को। ठीक है, बताएंगे तो सोच के तो होता था। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जांपल के पास हमारे पास है
एंड ए ए टू ए टू टाइप कॉम्प्लेक्स. पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसको डिस्कस किया था एम ए टू बी टू. क्या था हो गया ना यार, क्या यार बीच में आया. देखो अपने पास क्या था, सीओ एन का ऑल ट्वाइस और क्या लगा दिया अपने, सपोज करो सीएल टू प्लस. ठीक है, तो यहां पर ये जो कंपाउंड था इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने, और कौन से, सेस और ट्रांस. एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि डाइक्लोरिडो दिस इथाइलिन डाइएथाइन कोबाल्ट की आयन जो है इसका जो ट्रांस आइसोमर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. ये जो ट्रांस आइसोमर है ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जबकि इसका जो सिस आइसोमर है वो हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा. उसका रीजन क्या है, तो देखो ये तो सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है. उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ट्रांस आइसोमर है उसकी ज्योमेट्री कैसी है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, और सिमेट्रिकल है तो इसकी जो मिरर इमेज बनाएंगे वो वापस क्या बनेगी, सेम ही बनेगी. ठीक है, ये भी ईएन है, ये भी ईएन है, वापस अगर इसको अपन मिरर में देखेंगे तो वापस क्या बनेगा, सेम पोजीशन आएगी. तो इसके जो मिरर इमेजेस होती है वो सुपर इम्पोजिबल होती है, और सुपर इम्पोजिबल है मिरर इमेज इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमर है. बट जो सिस आइसोमर होता है इसका अगर हम मिरर इमेज ड्रॉ करें तो मिरर इमेज क्या बनेगी, ठीक है. तो यहां पर जो मिरर इमेजेस बन रही है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है. तो क्वेश्चन क्या आता है, डाइक्लोरिडो बेस इथाइलिन डाइएथाइन कोबाल्ट थ्री आयन जो होता है उसका केवल सिस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ट्रांस नहीं करता है. रीजन क्या है कि ट्रांस कंपाउंड जो होता है वो सिमेट्रिकल कंपाउंड होता है, इसलिए उसके जो मिरर इमेजेस होते हैं वो सुपर इम्पोजिबल होते हैं. ठीक है, पर सिस की मिरर इमेज क्या होती है, नॉन सुपर. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक एग्जांपल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ऑडिशन नंबर 6 में. सेकंड एग्जांपल है MAA3 मींस हमारे पास मेटल आयन के साथ आइडेंटिटी लिगेंड कनेक्ट किए हुए हो, तीनों के तीनों बाइडेंटेड लिगेंड है. ठीक है, अगर हमारे पास MAA3 टाइप की स्ट्रक्चर है तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है. कैसे होगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, देखो इसका स्ट्रक्चर और क्या बने, हमारे पास ट्रेस इथाइलिन डाइएमाइन कोबाल्ट थ्री आयन. ठीक है, और इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज क्या बनेगा अपने पास, तो ये दोनों के अपने पास मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है इसलिए ट्रेस इथाइलिन डाइएथाइन कोबाल्ट थ्री आयन जो है क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे, ऑप्टिकल. ठीक है, तो ये होता है अपने पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट.
देखो जो आपसे क्वेश्चन किया था मैंने उसका आंसर बताया था मैं तो कल किया था आपने क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड जो होते हैं उसमें सिस और ट्रांस आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है क्यों नहीं करता है देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसा होता है यहां मेटल एंड है और अल्टरनेट पे लिगेंड अटैच होता है अल्टरनेट लिगेंड ठीक है ये जो अल्टरनेट लिगेंड है अगर इनको हम कनेक्ट कर दें तो अपने पास क्या बन जाएगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी ठीक है और ये जो लिगेंड है इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो क्या है इक्वल है ये दोनों लिगेंड फेस डायगोनल पे है ये दोनों लिगेंड भी कहां पर है ये लिगेंड भी कहां पर है ये लिगेंड भी कहां पर है ये वाला लिगेंड और ये वाला लिगेंड भी कहां पर है फेस डायगोनल पे तो सारे के सारे लिगेंड जो है वो फेस डायगोनल पे होते हैं यानी जितने भी लिगेंड्स है चारों लिगेंड जो है उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है इक्वल रहती है और अगर डिस्टेंस इक्वल है तो उस केस में हम सिस और ट्रांस कंपाउंड नहीं बना सकते क्योंकि सिस और ट्रांस में क्या होता है हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास जो सेम लिगेंड है वो कंटीन्यूअस में होता है तो क्या बोलते हैं उसको सिस और अगर डिसकंटीन्यूटी में होता है तो क्या बोलते हैं ट्रांस तो यहाँ पर तो लिगेंड के डिस्टेंस हमेशा क्या है इक्वल है यानी वो हमेशा हमसे क्या रहेंगे कंटीन्यूटी में रहेंगे ठीक है तो उस केस में यहाँ पर कभी भी ट्रांस कंपाउंड तो बनेगा ही नहीं इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं ठीक है ये अपने कॉलेज का और कोई डाउट है तो बताओ क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अपन हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग के बारे में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जो है वो किस टाइप से होती है और क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या होगा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास तो अभी तक हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आईयूपीएसी में भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कॉर्डिनेट कंपाउंड की वो हमने अब तक टॉपिक कंप्लीट किया ठीक है इसमें अगर कोई किसी को डाउट है तो बोलो नहीं है चलो ठीक है तो फिर हम करेंगे इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में